आज यह वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि आपने देखा होगा कि गांव में जो खपराइल होते हैं उनसे घर बनते हैं, मतलब वो घर बन जाने के बाद उसको छा देते हैं, छत वाले घर देखे होंगे आपने, सीट वाले देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि झोपड़ी कैसे बनाते हैं, झोपड़ी को बना करके उसको कवर कैसे करते हैं ताकि धूप ना पड़े, हवा ना आए अंदर, पानी ना आए। तो आपको और दिखाते हैं उसमें कि क्या क्या हम ऊपर से लगा देंगे कि ताकि पानी ना आए, हवा ना आए। तो आप देख रहे हैं कि ये पन्नी है, ये पन्नी हम लगाएंगे अपने झोपड़ी में ताकि पानी ना गिरे। ये पन्नी रखे हैं हम लोग, ये पन्नी थोड़ी पुराने हैं क्योंकि इसको हमने पिछले साल लगाया था, इसलिए इस वर्ष भी हम इसी को लगाएंगे। और ये पत्ते हैं हमने ले आए हैं, ये देख रहे होंगे आप, है चूला का पत्ता, पौधा होता है उससे हमने काट के लेके आए हैं ताकि इसको उसको पहले रख सके, नहीं तो क्या होता है कि लकड़ी लगी होती है तो पन्नी जो है फट जाती है, तो पन्नी फट जाती है इसलिए ये पत्ते को रख लेंगे ताकि थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, जो निकले लकड़ी होते हैं वो पन्नी जिससे ना फट पाए, तो इसको पहले रख देंगे और उसके बाद पन्नी रखेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये जो हम ये इधर हम छा रहे हैं, इधर हम कवर कर रहे हैं, पत्ता भी ऊपर दे रहे हैं ताकि ऊपर से पहले पत्ता बिछा करके पन्नी बिछाया जा सके। ये देख लीजिए कैसे उसको कवर करते हैं, कैसे छाते हैं, ये पूरा पन्नी है। ये इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ये वाले जो झोपड़ी हमारा है इसमें हम कैसे इसी पत्ते को बिछा करके और ये पन्नी जो है इनको कुछ पन्नी इसमें लगा देंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि कल देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम यह वीडियो में ये वाला जो दिख रहा होगा ये वाले को हम छा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पत्ता जो हमने लाए थे उसको कैसे हमने नीचे एक तरफ से बिछा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि पन्नी जो हमारी है वो नहीं फटेगी, नहीं इनसे जो है पन्नी फट, जो नुकीली लकड़ी है इनसे जो है पन्नी ना फटे, इसलिए हम ये पत्ता बिछा रहे हैं। अरे यार, तो पत्ता बिछाने के लिए एक तरफ से देख रहे होंगे दिखा होगा कैसे बिछाए हैं, एक तरफ से मतलब रखते जाएं तो पूरा ये कवर हो जाएगा, जिससे ये नुकीली लकड़ी नीचे हो जाए और जो पत्ता है उसके ऊपर आ जाए, तो हम पन्नी छाएं तो पन्नी जो है हमारी पन्नी ना फटे। जैसा कि आप देख रहे हो कि कैसे हमने इनको एक तरफ से बिल्कुल छा रहे हैं पत्ते को, मतलब ऐसा ही व्यवस्थित रूप से ही जमाएं, ये नुकीली लकड़ी जो है पत्ते से ढक जाए और जो हमारी पन्नी है वो ना फटे, बिल्कुल ऐसे ही जमाएं एक तरफ से बिल्कुल। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये पन्नी है, तो अब एक तरफ से हमको भी छा देंगे छानी में, जिससे जो है ये ना फट पाए। देख रहे हो कि हमने एक तरफ से पन्नी को छा रहे हैं एक पत्ता बिछा करके। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि हमने पत्ता को बिछा करके हमने पन्नी जो है ये वाली इसको ढक रहे हैं, जिससे कि पानी हवा धूप अंदर ना जाए। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पन्नी जो एक पन्नी हमने लगाया था वो छोटा पड़ रहा था, इधर नहीं पूरा हो पा रहा था, तो हम एक पन्नी और लगा रहे हैं, जिससे जो हमारा ये मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा है छानी जिसको बोलते, जो ये छानी है वो पूरा कवर हो सके। ये पन्नी है ये थोड़ी पुरानी हो गई है, फट भी गई है, इसलिए हमने इसको दो परत कर लिया है जिससे पानी अंदर ना जा पाए। ये हाँ इसको ऊपर करो, ऊपर इसको पानी में जाए।
ऊपर कर खींच ले थोड़ी खींच ले ऐसे करो पाला थोड़ी छोटे होगी जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पन्नी हमने बिल्कुल छा लिया है। अब जो है हम इनको बांध देंगे जिससे कि हवा आए तो ये ना उड़े। इनको रस्सी से बांध देंगे कुछ ऊपर से और पत्थर रख देंगे कुछ और लकड़ी रख देंगे ताकि ये हवा में ना उड़ पाए। जैसा कि देख रहे होंगे पन्नी पूरा कवर हो चुका है। अब हम इसको बांधेंगे रस्सी से। ये अभी हम ये लकड़ी रख रहे हैं जिससे कि ये ना उड़ पाए पन्नी। ये जो वजन है तो तो देख रहे हो कि हमने इनको रख लिया है बिल्कुल जमा रहे हैं एक तरफ से ताकि अभी रस्सी भी बंधेगा अभी पत्थर भी रख रहे हैं वजन ताकि रहे लकड़ी भी रख दिए हैं ताकि वजन बनी रहे बराबर रहे जिससे कि ये पन्नी हवा आए तो ना उड़े क्योंकि हवा अब अभी हवा आता ही रहता है। ये रख देते हैं जिससे वजन रहे। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने पन्नी को पूरी तरह से छा दिया है इसमें छानी में। अब तो आपने देखा कि कैसे पत्ते लगा करके पन्नी छा करके भी अपने घर को बचाया जा सकता है धूप से हवा से पानी से। अब ये मजबूत हो गया है ये हवा आएगी तो नहीं उड़ पाएगी ये क्योंकि हमने इसमें मोटे मोटे लकड़ियां रख दी हैं पत्थर रख दिए हैं ईंट रख दिया है। तो जैसा कि आप गाइस देख रहे हो कि हमने पन्नी इसको छा लिया था फिर भी और पत्ते रख ले रहे हैं जिससे कि और इस पर वजन रहे मजबूती रहे जिससे कि पन्नी उड़ ना पाए वजन की वजह से। तो आप देख रहे हो कि हमने और पत्ते रख रहे हैं जैसा कि हमने एक मतलब कि एक नीचे पत्ता भी लकड़ियां थी फिर पत्ता बिछाया फिर पन्नी बिछा दिए। हाँ तो ये हमने नीचे पत्ता बिछाया था उसके ऊपर पन्नी लगा दिया है पन्नी के ऊपर फिर पत्ते रख रहे हैं जिससे कि ये और वजन रहे मजबूती रहे जिससे कि मतलब कि जिससे कि पन्नी ना उड़ पाए। तो गाइस आपने देखा कि हमने कैसे अपना जो छानी था झोपड़ी हमने बना रहे थे पत्ता और पन्नी की मदद से हमने छानी बना दिया मतलब कि नीचे पत्ता बिछाया फिर पन्नी बिछाया फिर पत्ते रखे जिससे कि पानी हवा धूप अंदर ना जा पाए रहे जिससे हम जो भी सामान नीचे रख सकें वो नुकसान ना हो। और हमारा जो ये है अब पूरी तरह से आप देख रहे होंगे कि हमने कैसे इनको बनाया था पन्नी छा करके पत्ता छा करके अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप यू गाइस वेरी एंजॉयिंग इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कुछ और बातें थी जो इस वीडियो में बताना जरूरी था जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो प्लीज वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और यह भी बताना कि आपको वीडियो आपको कैसा लगा। टाटा बाय। पकड़ ले।
अब हम उतर जाते हैं। Hey, mama.